ये खौफनाक वीडियो सोनीपत के गोहाना का है, जहां सदर थाना से महज कुछ ही मीटर की दूरी पर यूनिक ज्वेलर्स की दुकान में लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। दरअसल आप इस वीडियो में ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि दिन दहाड़े दो नकाबपोश बदमाश दुकान में घुसते हैं। दोनों के हाथ में देसी तमंचा है। दुकान में एंट्री करते ही दोनों बंदूक की नोक पर दुकान मालिक को कुछ कहता है और फिर अचानक दोनों बंदूक की बट से दुकान मालिक के सिर पर वार कर देते हैं। इस दौरान दुकान मालिक भी बचने की कोशिश करता है और गेट से बाहर भागने लगता है, लेकिन फिर दोनों बदमाश उसे अंदर की ओर खींचते हुए ले जाते हैं और लगातार उसके सिर पर बंदूक की बट से वार करते रहते हैं। फिर दोनों बदमाश दुकान से कुछ ज्वेलरी और कैश लेकर दुकान से बाहर निकलता है। इतने में दुकान मालिक भी उसके पीछे पीछे बाहर आता है और बाइक के पास गए बदमाश से लोहा लेता है, उस पर ईंट से हमला करता है, लेकिन दोनों बदमाश वहां से फरार हो जाते हैं। सदर थाने के पास दुकान है मेरी, किस चीज की? गोहाना रोड पे, सुनार की। अच्छा। वहां पे 1:15 बजे के करीब दो बंदे घुसे, रात ही बोले निकाल दे जो कुछ है। मैंने सोचा पैर रुपया वगैरह होंगे, तो मजाक कर रहे हुए, तो एकदम जब वो हाथ आया ना उसके उसका मुंह की तरफ, अगर निकालता है कि नहीं, फिर मैं थोड़ा सीरियस होया। फिर जैसे मैंने उसको मुक्का मारा ना, दूसरे ने फिर बट मारा मेरे यहाँ पे, तो फिर एक का तो मैं पकड़े रखा, लेकिन दूसरा मारता रहा। क्या ले रहे थे? वो कट्टे ले रहे थे दोनों हाथ में, तो जैसे अंदर की तरफ ले गया तो एक ने गले में से सामान निकाल लिया जो कुछ भी रखा था, और फिर दोनों जैसे बाहर निकलने लगे ना, मैं भी पीछे भाग गया, तो बाहर निकल गया, उसकी मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हुई, उसका मोबाइल भी गिर गया वहीं पे, और फिर ईंट मिली, मेरा और कुछ था नहीं, ईंट मारी तो पड़ोसी भी भागे एकदम, ईंट उठा उठा के, तो वो भाग गए। फिर आगे कोई ऋषि कुल सकूल है, उसकी छुट्टी थी, छुट्टी हुई थी बच्चे, तो वहाँ पर पकड़ा गया, उसकी मोटरसाइकिल पकड़ी गई है और कट्टा भी वहीं पड़ा है, वो लड़का भाग गया। इस घटना के कुछ देर बाद ही पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ लिया। अब आप अंत में ACP राहुल देव को सुनिए, उन्होंने इस मामले को लेकर क्या कहा। आज दिन में 1:30 बजे छोटू राम चौक के पास यूनिक ज्वेलर्स की दुकान पे दो लड़कों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया, जो मौके पे उनकी मोटरसाइकिल रह गई थी। तो हमारी CP साहब के निर्देश पे दो टीमें तुरंत तैयार की गई, सिटी थाने की और CIA वेस्ट की, और पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए एक आरोपी प्रिंस जो भिवानी का रहने वाला है उसको काबू कर लिया। बाकी दूसरे आरोपी की तलाश के लिए हमारी टीमें गई हुई है, उसको भी जल्द से जल्द राउंड अप कर लेंगे और लूट की गई राशि को भी बरामद कर लेंगे। सर, प्राथमिक जांच में कुछ बताया हो कि भिवानी से लूट करने पहुंचे थे या पहले देखी वगैरह कुछ की थी? अभी हमारी टीम आगे रेड पे है, तो एक बारी आ जाएंगे, उनसे जितनी भी पूछताछ होगी वो आपके साथ शेयर की रख दी जाएगी। क्या क्या लूट, कितने की लूट हुई थी सर, और क्या क्या सामान? जो अभी उन्होंने जो लिखवाया है कि कैश, कुछ कैश है जिसकी वो अभी गिनती कर रहे हैं कि आज दिन की कैलकुलेशन करके, और एक छोटा लॉकेट डायमंड का जो बता रहे हैं, वो दो चीजें उन्होंने बताई है, तो जो भी हो गई रिकवरी उनसे पूरी की जाएगी। सर, CCTV में किस तरह से बर्बरता से वो जो तमंचे के बट है वो दुकान मालिक को मारते नजर आ रहे? बिल्कुल, उन्होंने लूट की वारदात को अंजाम देने के वक्त व्यापारी को घायल करा, व्यापारी ने भी बड़ी साहस दिखाते हुए उनका पूरा डट के मुकाबला करा, और मेरी सभी व्यापारी और जितने भी ज्वेलर्स हैं सबसे है कि एक सिक्योरिटी गार्ड जरूर वो रखें, और हम उस चीज को सपोर्ट करेंगे, हम उनकी वेरीफाई करके उनका सिक्योरिटी गार्ड रखवाने में उनकी हेल्प करेंगे। सर, सदर थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर इस वारदात को अंजाम दिया गया? हमने जल्दी, आप जैसा आपको ज्ञात है कि 2 घंटे के अंदर ही अंदर हमने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, एक आरोपी को, और दूसरे को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। सर, पहली बार इन्होंने अंजाम दिया है या प्रोफेशनल? अभी पूछताछ जो है ना, उनसे डिटेल पूछताछ करनी है, क्योंकि हमारी टीम लगातार दूसरे आरोपी जो है उसकी तलाश में है, और जल्द से जल्द उसको भी गिरफ्तार कर लेंगे। बिल्कुल।